नमस्कार, दैनिक भरोसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। छत्रपुर मंदिर दिल्ली का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं और माता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। छत्रपुर मंदिर दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वहीं नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश से यहाँ भक्त एकत्रित होते हैं। यहाँ एक पेड़ है जहाँ श्रद्धालु धागे और रंग बिरंगी चूड़ियाँ बांधते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसी कड़ी में जब दैनिक भरोसा की टीम छत्रपुर मंदिर पहुंची और भक्तों से बातचीत की, तो आइए आपको दिखाते हैं कि भक्तों ने क्या कुछ कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतरपुर के छतरपुर मंदिर में और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार जो है नवरात्रों में पूजा की तैयारियाँ की गई है। भक्तगण जो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको हम यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ किस प्रकार जो है कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से यहाँ मंदिर में मौजूद है। माता जी नमस्कार। क्या बोलूँ, ये बताइए आप यहाँ मंदिर हर रोज आती हैं या फिर कभी? नहीं, हम तो छठे महीने आते हैं। छठे महीने आते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या आस्था है यहाँ की जो आप यहाँ आती हैं? मन है अपना। आगे कैसे महसूस करती हैं? अच्छा लगता है, जब भी तो आते हैं यहाँ पे हम। चलिए, किस प्रकार जो है माता जी को यहाँ आना अच्छा लगता है इसीलिए वो मंदिर में आती है। यहाँ कुछ बहने हैं, सेल्फी ले रही है। मैं इनको डिस्टर्ब करना चाहूंगी और माता जी से बात करना चाहूंगी। माता जी ये बताइए, क्या यहाँ मंदिर की जो श्रद्धा है उसकी वजह से आप यहाँ आती है? हाँ, मंदिर बहुत अच्छा लगा, देखो श्रद्धा है तभी आए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आपको? मैं तो बहुत ही टाइम बनता है इसमें आने का मंदिर में, बस आई तो इसलिए आया। हाँ, मेरा तो बहुत ही कब से मन था इस मंदिर में आने का। किस प्रकार जो है भक्त यहाँ, कोई पहली बार आ रहा है, कोई कब से आया हुआ है, आगे भजन कीर्तन का जो आयोजन है वो किया गया है। नवरात्रि के नौ दिन यहाँ भजन कीर्तन का जो आयोजन है वो किया जाता है। तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो की जाती है। यहाँ मैं मैम से बैठी जानना चाहेंगी। हाय हाय। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ आए हैं, यूथ को आजकल देखा गया है वो अपने धर्म से भटक रहे हैं और आप यहाँ मंदिर आई, उसमें क्या? ऐसा कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहेंगे हम। आगे मैम से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम, ये बताएं आप यहाँ मंदिर में मौजूद हैं, क्या यहाँ की खासियत है? यहाँ माता जो दिव्य शक्ति है वो यही है। यहाँ पे जो आते हैं मनोकामना पूरी होती है, हर मन्नत पूरी होती है। हाँ, मैं हमेशा आती हूँ। जैसे नवरात्र के नौ दिन घर में रहते, लेकिन आते हैं यहाँ पर दो दिन तीन दिन, जब टाइम मिल जाता है भाई उनके नाम का तो आना ही है। जय माता दी। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार जो है भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार मंदिर परिसर को सजाया गया है। सामने ठीक माता रानी के चरण है, उसमें कुछ महिलाएं कुछ बच्चे जो है वो फोटो खिंचवा रहे हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ मंदिर पहुँचे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, अच्छा नाम भी आपका बहुत अच्छा है। माता रानी नमस्कार। अच्छा, आप यहाँ मंदिर अक्सर आती हैं या फिर नवरात्रों के दिन आती हैं? क्या नवरात्रों में आप अक्सर आती हैं, मतलब सिर्फ नवरात्रों में आती हैं या फिर अक्सर मंदिर आना जाना करती हैं? नहीं, मंदिर तो पूजा तो घर ही पे करती हूँ, में आती हूँ। नवरात्रों में क्या यहाँ की आस्था बहुत बुजुर्ग है, कब से आ रही है, तो यहाँ मंदिर की क्या आस्था है और जो नौजवान है उनके लिए आप क्या कहना? नहीं, पहले कुछ बोल बोल करके गई थी, उसको पूरी करना आई। आपको हम साक्षात माता रानी का दर्शन करवा रही हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है माता रानी के रूप को साज श्रृंगार से सजाया गया है। भक्त यहाँ मौजूद है, भक्तगण यहाँ मौजूद है, अपने श्रद्धा भक्ति के भाव से मौजूद है। सामने में आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है पुजारी, मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं वो पूजा पाठ तमाम चीज़ों में लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार, यहाँ हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार जो है। मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हूँ। दुर्गा जी के सेवा करने आई हूँ। कब से सेवा करती हैं? जब से नवरात्रि चढ़ा है तब से। कब से आप पहले कभी कर रहे? हाँ, तीन साल से। मुझे बहुत अनुभव मिला, बहुत अनुभव, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा।
उसमें सेवा करके बहुत खुश मिल रहा है, बहुत खुश। यहाँ की श्रद्धा क्या है? मेरे श्रद्धा ऐसे माता के, हम खुश, हमारा कुछ नहीं चाहिए धन दौलत, माता के बस सेवा करूँ, बस माता का बस सेवा करूँ। जैसे कि माता जी ने बताया उनको कुछ धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें बस माता रानी का जो है वो सेवा करना है, वो सेवा भाव से, भक्ति भाव से यहाँ पहुँचती हैं।